नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शाश्वत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर श्याम देवकर आपके सामने एक नई सीरीज लेकर आया हूं। आज से हम सब यूपीएससी प्री एग्जाम की जो प्रश्न पत्र रहते हैं उसके इतिहास विषय के प्रश्न पत्रों का और प्रश्नों का सटीक विश्लेषण एक सीरीज के रूप में आपके सामने हमारी एकेडमी लेकर आएगी। आज 2015 के इतिहास विषय के प्रश्नों का सटीक विश्लेषण आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो आज अगर आपने शाश्वत एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और हमारी ये सीरीज का अवश्य लाभ उठाइए। तो पहला क्वेश्चन जो है 2015 के यूपीएससी प्री एग्जाम में हिस्ट्री विषय के जो एक प्रश्न आए थे उसमें का पहला क्वेश्चन है रौलेट सत्याग्रह। रौलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? रौलेट अधिनियम सिडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था। दूसरा कथन है रौलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। तीसरा कथन है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रौलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो ये तीन कथन हमारे सामने हैं और नीचे चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल एक और दो, तीसरा ऑप्शन है केवल दो और तीन, और चौथा ऑप्शन है एक दो और तीन। अब इसका विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। रौलेट अधिनियम जो है सिडिशन एक्ट, ये सिडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था। तो सबसे पहली बात जो है वो है कि ये सिडिशन कानून जो है जिसको राजद्रोह कानून भी कहते हैं, ये एक उपनिवेशकालीन कानून है। और सिडिशन का जो कानून है, राजद्रोह का जो कानून है, वह कानून भारतीय लोगों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं और उनके स्वातंत्र की आकांक्षाओं को दबाने के लिए कुचलने के लिए ब्रिटिशों ने यह कानून भारत में लाया था। इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है आपके सामने है। राजद्रोह कानून 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में सबसे पहले अधिनियमित किया गया था। और राजद्रोह कानून जो है वो कानून सत्ता के विरुद्ध जो जो विचारधाराएं देश में पनप रही है और सत्ता के खिलाफ जो जो विचारधाराएं है उनको दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए, उनकी आवाज दबाने के लिए सिडिशन कानून का आविष्कार किया गया था। सिडिशन कानून जिस पर लगा वो व्यक्ति या जो भी होंगे संस्थाएं होंगी वो राष्ट्र के खिलाफ, उस देश के खिलाफ नहीं होते, वो सत्ता के खिलाफ होते हैं। और इस कानून लाने का सबसे इम्पोर्टेंट जो उसके पीछे का हेतु था वो रीजन भी वही था कि उस समय विधि निर्माताओं का मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही अस्तित्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। गलत राय, सरकार, राजशाही दोनों के लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी। जैसा कि मैंने आपको कहा, सत्ता के खिलाफ जो जो राय है, सत्ता के खिलाफ जो लोग हैं, सत्ता के खिलाफ जो जो विचारधाराएं हैं, उनको दबाने के लिए ही राजद्रोह या सिडिशन कानून लाया गया था। और ये सिडिशन कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस मैकेलेन ने भारत में तैयार किया था और 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू करने के दौरान इसको इसमें शामिल नहीं किया गया था। बाद में वह भारतीय भारत में कानून के रूप में सामने लाया गया और आईपीसी में 124A 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किए गए एक संविधान द्वारा संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था। और 124A आज भी मौजूद है और इसका मिसयूज आज भी होता है। सत्ता के खिलाफ जो जो आवाज रहती है उनको दबाने के लिए इसका उपयोग हमेशा से होता आया है।
भारत में सबसे पहले इस कानून का प्रयोग साल 1897 में बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ सबसे पहली बार किया गया था। भारत में सिडिशन कानून का सबसे पहला यूज, सबसे पहला मुकदमा तिलक के खिलाफ दायर किया गया था। और इसके अलावा 19 मार्च 1922 को महात्मा गांधी के खिलाफ और इसके साथ साथ पंडित नेहरू और भगत सिंह जैसे लोगों के खिलाफ भी सिडिशन कानून लगाया गया था। अब हमारे सामने यह एक प्रश्न है कि भारत हमारा देश है और ये जो नाम हमने सुने हैं, गांधी जी थे, नेहरू जी थे और तिलक जी थे और भगत सिंह जी थे, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का कानून धाराएं लगाई गई थी, क्या वे सही भी राष्ट्रद्रोही थे? तो नहीं थे, वो सत्ता के विरोधी थे। तो जैसा कि मैंने कहा, यह कानून का आविष्कार ही इसलिए किया गया था कि सत्ता के विरोधी जो लोग हैं उनको दबाने के लिए। तो इसका 124A का मिसयूज ब्रिटिश काल से आज तक होता रहा है और होता रहेगा। तो अपना जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन के क्वेश्चन में जो सिडिशन कानून आया था उसकी, इसीलिए हमने ये सिडिशन का इतिहास आपके सामने रखा। अब वर्तमान में भारतीय दंड संहिता में 124A राजद्रोह एक अपराध है और हमारे शासन का अभी एक विचार ऐसा चल रहा है कि यह राजद्रोह कानून खत्म हो, और सही में वो खत्म होना चाहिए क्योंकि लोकशाही में, डेमोक्रेसी में इसका कोई भी अर्थ या उसका जो अस्तित्व है यह डेमोक्रेसी भी, डेमोक्रेसी के खिलाफ ही है। अब रौलेट समिति को सिडिशन समिति भी कहा जाता है, यह सबसे बात आप नोट कर लीजिए कि रौलेट कमीशन का दूसरा नाम राजद्रोह समिति या सिडिशन समिति या सिडिशन कमीशन भी था। और 1917 में एंग्लो इजिप्शियन जज जो थे, ब्रिटिश न्यायाधीश सिडने रौलेट की अध्यक्षता में यह कमीशन स्थापित किया गया था और ब्रिटिश सरकार ने उनकी नियुक्ति की थी। रौलेट समिति 1917 की है। और जो हमारा तीसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन का, यह है 1927 की, रौलेट है 1917 का। तो इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है, यह सही है, यह सही है। इसीलिए केवल एक और दो हमारा आंसर है, क्योंकि साइमन कमीशन 1927 का है और रौलेट कमीशन है 1917 का। अब ये रौलेट कमीशन जो है, रौलेट कमीशन के अध्यक्ष थे सिडने रौलेट, इसके प्रेसिडेंट है। इसके इस कमीशन में JDV हॉज, बंगाल सिविल सेवा के सदस्य थे, ये सचिव थे रौलेट कमीशन के। बेसिल स्कॉट, यह बॉम्बे हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वे सदस्य थे। CV कुमार स्वामी शास्त्री, यह मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वर्नी लेवेट, यह संयुक्त प्रांतों के लिए राजस्व बोर्ड के सदस्य थे। PC मीटर, बंगाल विधान परिषद के सदस्य थे, यह 1+5 ऐसा इसका स्वरूप था। और इस राजद्रोह सिडिशन कमीशन के सिफारिशों के आधार पर ही रौलेट एक्ट बनाया था। अब समिति की सिफारिशों पर ही पंजाब, बंगाल में बढ़ रहे खतरे के जवाब में भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 का विस्तार रौलेट अधिनियम लागू किया, विस्तार किया गया उसका, भारतीय रक्षा अधिनियम का। और वो इस रौलेट एक्ट के माध्यम से इंप्लीमेंट किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक थे, जिन्होंने आलोचना की थी नीतियों की, आर्थिक नीतियों की, भारत में जो ब्रिटिश काल में जो आर्थिक नीतियां थी उन नीतियों की आलोचना इनमें से किसने की है? पहला नाम है दादा भाई नौरोजी, दूसरा नाम है जी सुब्रमण्यम अय्यर, RC दत्त। ये जो तीनों नाम है, यह तीनों लोगों ने ब्रिटिश काल में आर्थिक उपनिवेशवाद या आर्थिक नीतियों के खिलाफ मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद की थी। और
भारतीय आर्थिक विचारधारा का जनक दादा भाई नौरोजी को हम कह सकते हैं। और ये जो जी सुब्रमण्यम अय्यर है, ये द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उनके फाउंडर है। अब डिटेल इसके बारे में हम जानेंगे। पहला नाम है दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो किताब है उनकी, ये किताब में उन्होंने ब्रिटिश काल के दौरान भारत में जो शोषण हुआ, आर्थिक शोषण हुआ, उसका डिटेल वर्णन है। एक उन्होंने स्टेटमेंट उसमें किया गया है कि गंगा का पानी यहाँ से सोख लिया और थेम्स में निचोड़ लिया, मतलब यहाँ से आर्थिक शोषण हो रहा है और वह ब्रिटेन में जा रहा है, ऐसी धारणा या ऐसा सिद्धांत ये किताब में दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया है। अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की है कि आर्थिक निकास, जिसको बोलते हैं ड्रेन थ्योरी, धन निष्कासन, जैसा कि मैंने आपको कहा, और इस धन निष्कासन को उन्होंने एविल ऑफ एविल, बुराइयों की बुराई, उन्होंने इस ग्रंथ में ऐसा वर्णन किया है। 1905 में उन्होंने कहा था, धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है। ये जो स्टेटमेंट है दादा भाई नौरोजी का, धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है, यह आप नोट कर लीजिए। यह दादा भाई नौरोजी का स्टेटमेंट मार्क्स के वही उसी स्टेटमेंट पर है कि सभी समस्याओं की जड़ वित्त है, मतलब अर्थ या वित्त, यह सभी समस्याओं की जड़ है। वैसा ही धन का निर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है, यह स्टेटमेंट आप कृपा करके नोट कर लीजिए, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट है, स्टेटमेंट है, यह हमारे पर्सनल लाइफ में भी हमको काम में आ सकता है। और भारतीय निर्धनता का मूल का कारण उन्होंने इस धन के बहिर्गमन को बताया। और हम भारतीयों का सबसे ड्रॉबैक जो है, हमारी आर्थिक साक्षरता उतनी नहीं है। पढ़ाई लिखाई सभी ने कर ली हम लोगों ने, लेकिन हमारी जो आर्थिक साक्षरता है उसके बारे में हम दुनिया के जो पटल है उसके बहुत पीछे है। और आगे रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे राष्ट्रवादी विचारकों भी धन के निष्कासन के इस प्रक्रिया के ऊपर प्रकाश डाला। इन्होंने भी मुखरता से धन के निष्कासन पर अपनी राय रखी है। और अगला नाम है जी सुब्रमण्यम अय्यर, उनका नाम था गणपति दीक्षितार सुब्रमण्यम अय्यर। उनका जन्म 19 जनवरी 1855 से 18 अप्रैल 1916 एक प्रमुख भारतीय पत्रकार थे, द हिंदू न्यूज़पेपर के फाउंडर थे, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 20 सितंबर 1878 को अंग्रेजी अखबार द हिंदू की स्थापना की थी। द हिंदू न्यूज़पेपर के फाउंडर है जी सुब्रमण्यम अय्यर। यह बात एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वह इसके मालिक थे, संपादक थे। 20 सितंबर 1878 से अक्टूबर 1898 तक द हिंदू के प्रबंध निदेशक रहे। तमिल भाषा के समाचार पत्र स्वदेश मित्रन, इसका नाम भी आप नोट कर लीजिए, स्वदेश मित्रन के माध्यम से उन्होंने अपने आर्थिक विचार भी रखे हैं। और 1882 में उन्होंने स्वदेश मित्रन की स्थापना की थी। और भारत से ब्रिटेन में होने वाले धन निष्कासन के संबंध में उन्होंने आंकड़े दिए तथा भारत में ब्रिटिश शासन के स्वरूप की आलोचना भी उन्होंने की थी। लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुब्रमण्यम अय्यर समर्थक थे। तो दादा भाई नौरोजी भी आर्थिक नीतियों के खिलाफ थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी ब्रिटिशों के आर्थिक नीतियों के खिलाफ थे। और तीसरा नाम जो है आरसी दत्त, पहले आया है रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त, जन्म 13 अगस्त 1848, 30 नवंबर 1909 तक। यह भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासज्ञ थे तथा लेखक थे। दादाभाई नौरोजी मेजर डीडी बसु के साथ दत्त तीसरे आर्थिक चिंतक थे। और आरसी दत्त भी एक आर्थिक नीतियों के खिलाफ, ब्रिटिशों के आर्थिक नीतियों के खिलाफ मुखर होकर बोलने वाले एक विचारवंत थे। उन्होंने भी ड्रेन थ्योरी प्रस्तापित की थी। तो जो तीनों हमारे व्यक्ति है,
दादा भाई नौरोजी जी, सुब्रमण्यम अय्यर और रमेश चंद्र दत्त, ये तीनों लोग उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक तीनों भी थे। तो 1, 2, 3 डी इसका आंसर है, तीनों ही ब्रिटिशों के नीतियों के खिलाफ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके वो पार्टी के अंदरूनी एक पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में ये क्वेश्चन है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंजन इवेजन की वकालत की। बहिष्कार करो और अपवंचन की वकालत की। दूसरा है, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी ये पार्टी। और तीसरा है, अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की उन्होंने वकालत की। अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मतलब कांग्रेस के भीतर जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे, और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी कांग्रेस की एक मूल धारा रही है। अगर स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस का इतिहास हम जानेंगे, जब से नेहरू जी ने कांग्रेस की कमान संभाली, नेहरू जी ने कांग्रेस को लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ उनका झुकाव था, और उन्होंने कांग्रेस का भी झुकाव उनकी उसकी तरफ कदम बढ़ाया लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ, क्योंकि 55 का जो आवड़ी अधिवेशन था तमिलनाडु में, वो अधिवेशन में ठहराव सम्मत किया गया, और आवड़ी अधिवेशन से 1992 तक कांग्रेस की जो कांग्रेस का मार्गक्रमण रहा है वह लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ रहा है। और कांग्रेस के मंच द्वारा समाजवादी ढंग से स्वराज प्राप्ति और उसके बाद समाजवाद की स्थापना इसका प्रमुख हेतु था। समाजवादी गांधी जी की समझौतावादी नीति के विरोधी थे। जो समाजवादी ये कांग्रेस समाजवादी दल था, ये गांधी जी के नीतियों के खिलाफ थे, समझौतावादी नीतियों के खिलाफ थे। गांधी जी घोर अहिंसावादी थे, जबकि समाजवादी आवश्यकता अनुसार सशस्त्र आंदोलन के पक्षधर थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व के पटल पर एग्रेसिव लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है वह पनप रही थी। भारत पहला ऐसा देश है जिन्होंने लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की प्रामाणिकता स्वीकार की, लेकिन उनका मार्ग उनको पसंद नहीं था कि जो सत्ता का मार्ग है वो बंदूक के नली से जाता है, ऐसा कहने वाली जो आइडियोलॉजी थी माओ की वह उन्होंने नकार दी। और भारत पहला ऐसा देश है जहां लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी के माध्यम से सत्ता पर आसीन हुई केरल में। इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो हिस्ट्री है, वो नेहरू जी के आइडियोलॉजी में है। साम्यवाद से उन्होंने समाजवाद ये कंसेप्ट जो है उन्होंने भारत को दिया। जो समाजवादी विचारधारा है वह यह कहती है कि डेमोक्रेसी के माध्यम से आइडियोलॉजी गोल्स ध्येय जो है उद्दिष्ट जो है वह लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के ही है, सिर्फ साधनों का अंतर है, मार्गों का अंतर है। और भारत के समाजवादियों का मार्ग जो रहा है और रहेगा वह डेमोक्रेसी के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से। तो भारत ने लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के एग्रेसिव नेचर को भी सॉफ्ट किया और भारत में उनको डेमोक्रेसी के ढांचे में ढाल दिया। और भारत में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी के माध्यम से पहली बार सत्ता में आसीन हुई। और जो लोग इनके विरोधी थे, इनके अपोनेंट थे, उन्होंने फिर विभिन्न पार्टियां स्थापन की। फिर उनको माओवादी, लेनिनवादी ये जो कहते हैं वो एग्रेसिव है, वो मूल विचारधारा जो विश्व पटल पर स्थापित हुई है चीनी और रशिया में, तो उनके वे पक्षधर रहे हैं। लेकिन भारत के जो डेमोक्रेसी के मानने वाले लेफ्टिस्ट लोग है, उन्होंने एक कंसेप्ट तैयार किए, वह समाजवादी है। और समाजवादी यह विचारधारा जो है वह किसी भी एक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो कैपिटलिज्म है वह आर्थिक जो सक्षम लोग हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से कमकोत वर्ग रहते हैं उनके लिए लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ही
एक उद्धार का जरिया रहती है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि दोनों आइडियोलॉजी में हमको एक चुनना है। हमको जो जो मार्ग से राष्ट्र का विकास होता है वह सभी मार्ग लोक कल्याण के, अधिकाधिक लोगों का अधिकाधिक कल्याण जो विचारधारा करेगी वह विचारधारा स्वीकारना योग्य है, और जो विचारधारा अधिकाधिक लोगों का अधिकाधिक कल्याण नहीं कर सकती वह विचारधारा हमको नहीं स्वीकारनी चाहिए। और ये जो सोशलिस्ट विचारधारा है, यह विचारधारा भी उसी मार्ग पर चल रही थी। कांग्रेस राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व करने वाला आधारभूत संस्था है, और ऐसा इनका मानना था। जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी क्यों तथा आचार्य नरेंद्र देव ने समाजवादी और राष्ट्रीय आंदोलन जैसी पुस्तकों की रचना की। पुस्तकों के नाम फिर से एक बार रिपीट करता हूं। जयप्रकाश नारायण की किताब समाजवादी ही क्यों, और आचार्य नरेंद्र देव की किताब समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ये दो किताबों ने भारत के समाजवाद की नींव रखी, हम ऐसा कह सकते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने एक 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित करने की घोषणा भी की। अब ये जो आपके सामने कांग्रेस समाजवादी का इतिहास हमने रखा, हमारा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में जो कथन किए गए हैं कि ब्रिटिश माल के बहिष्कार करो और अपवंचन की वकालत उन्होंने की, यह गलत है। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापन करना चाहती थी, यह भी गलत है, क्योंकि वे इसके पक्षधर नहीं थे। अल्पसंख्यकों दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की, यह भी गलत है। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में तीनों जो कथन यहाँ पर दिए है वे तीनों ही गलत है, इसीलिए सही उत्तर इनमें से कोई नहीं, इसका डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान का क्षेत्र। यह मध्यकालीन भारत, सबसे पहले हमने हमारे दिमाग में एक चित्र स्पष्ट कर लेना चाहिए कि यह मध्यकालीन भारत के राज्यों की राज्य के बारे में हमको पूछा गया है। पहला है चंपक, दुर्गर, कुलूत, और नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें से कौन सा सही उत्तर है? चंपक आज का मध्य भारत, दुर्गर आज का जम्मू, कुलूत आज का मलबार, क्या यह सही है? अपने को चेक करना है, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। मध्यकाल में चंपक और कुलूता जैसे भारतीय राज्य वर्तमान हिमाचल प्रदेश के संबंधित थे। चंपक और कुलूता हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे, तो ये मध्य भारत का भाग नहीं है। दुर्गारा जम्मू में से संबंधित था, तो दुर्गारा जम्मू ये सही है। चंपक मध्य भारत गलत है, और चंपक, दुर्गारा और कुलूता पुराने पंजाब क्षेत्र के राजपूत राजपूतों से जुड़े थे, जैसा कि हिमाचल और वहां वही क्षेत्र में वे फैले थे, मध्य भारत में नहीं थे। इन तीनों राज्यों का गठन पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच सत्ता के संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ। आगे 9वीं शताब्दी में हिमालय में कई पहाड़ी राज्यों का उदय हुआ, जिसमें कुछ ने हाल के वर्षों तक अपनी पहचान बनाई रखी, एक दूसरे के साथ युद्ध और मैदानी क्षेत्रों में आगे वे लगातार आक्रमण करते रहे, युद्ध करते रहे। चंपक चंबा हिमाचल प्रदेश, दुर्गारा जम्मू, त्रिगर्त जालंधर, कुलूता कुल्लू, कुमाऊं और गढ़वाल, ये जो मध्यकालीन इतिहास के जो राज्य है उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया है। और उत्तरी मैदान में संघर्ष के मुख्य क्षेत्रों से बाहर थे, ये जो राज्य है इनके बारे में कहा है। तो हमारा कथन है कुलूता मलबार गलत है, इसमें से एक ही सही है, दुर्गार जम्मू, केवल दो, यह सही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? अवंती, गांधार, कोसल, मगध, इन चारों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो अवंती का संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं है, गांधार का संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं है, कोसल का संबंध बुद्ध के जीवन से है, मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से है। तो
तो इसीलिए इसका आंसर है 3 और 4। इसके बारे में डिटेल में हमारे इस स्लाइड में हम देखेंगे। गांधार जो है आज का अफगानिस्तान, मतलब महाभारत काल में जो गांधारी शब्द का, गांधारी जो पात्र है वह गांधार की थी, इसलिए उसका नाम गांधारी था। वो गांधार का प्रत्यक्ष संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं था या नहीं है। मौर्य काल के शासन के दौरान, विशेष रूप से अशोक के कार्यकाल के दौरान, यह गांधार फला फुला और उसका महत्व हमारे इतिहास में आया। दूसरा है राजगीर, मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी थी, जिस पर बुद्ध के समय में बिंबिसार का शासन था और महावीर निष्क्रमण के बाद बुद्ध पहली बार राजगीर में गए थे, जहां उन्होंने एक तपस्वी के रूप में रहना शुरू किया था। तो बुद्ध के जीवन काल का संबंध राजगीर से है, मतलब मगध से है। और गौतम बुद्ध की माता महामाया कौशल वंश से संबंधित थी, और तो उनका संबंध कौशल से भी है। तो हमारे जो दो आंसर है कौशल और मगध, मतलब ऑप्शन नंबर डी यह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है नमक कानून के संदर्भ में है। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया। यहां पर नमक चाहिए। तंजौर जो राज्य था, मराठा राज्य वहां पर था, और ब्रिटिश काल में वहां पर नमक कानून सत्याग्रह हुआ था। जहां जहां समुद्री तट है वहां पर गांधी जी के आदेशों पर नमक के सत्याग्रह हुए, लेकिन जहां समुद्री तट नहीं थे वहां पर जंगल सत्याग्रह हुए। मतलब ब्रिटिश कानूनों की मुखालफत करना, ब्रिटिश कानूनों के विरोध में कानून तोड़ो आंदोलन जो था, अब वो उपनिवेशवाद का काल था, और वहां कानून तोड़ना एक नैतिकता में हम उसको एग्री कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में जो हमारा ही राष्ट्र है, हमारी ही सरकार है, हमारी ही सत्ता है, लोकशाही, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि हमारा ही शासन है, और हमारे ही शासन ने बनाए हुए कानूनों के खिलाफ हमने कानून तोड़ो आंदोलन नहीं करना चाहिए। यह भारत स्वतंत्रता के बाद में यह नीतिमत्ता के खिलाफ है, लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश काल में यह नीतिमत्ता पूर्ण हम इसको कह सकते हैं। तो यह जो कानून था नमक कानून तोड़ो आंदोलन, यह तंजौर के तट पर किसने संगठित किया था? तो यह इसका ऑप्शन है बी ओ चिदम्बरम रेड्डी, सी राजगोपालाचारी, के कामराज, एनी बेसेंट। इसका उत्तर है सी राजगोपालाचारी, जो गांधी जी के एक अच्छे दोस्त थे। इसके बारे में स्लाइड में है। सी राजगोपालाचारी ने तंजौर के तट पर त्रिचनापल्ली से वेदारण्य में उन्होंने एक नमक कानून तोड़ने के लिए पदयात्रा की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने नमक का मार्च का नेतृत्व किया था। वैसा ही नेतृत्व केरल में भी किलप्पन वायकोम सत्याग्रह के नायक थे, जो नमक कानून तोड़ने के लिए कालीकट से पायन्नूर चले गए थे। और वैसा ही कानून तोड़ने के प्रयास जो है, वैसे ही सत्याग्रह जो है, भारत में जितने ही तटीय इलाके हैं भारत के, अगर हमने भारत का नकाशा ऐसा निकाला तो नकाशा अधिकृत नहीं है, लेकिन तटीय इलाकों में गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और ये मलबार का जो क्षेत्र है, केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र का, ओडिशा का, इधर बंगाल का, इन सभी क्षेत्रों में नमक के कानून के खिलाफ आंदोलन हुए थे। अब जहां पर नमक बनता है वहां पर आंदोलन हुए, जहां पर नमक नहीं बनता वहां पर नमक के आंदोलन नहीं हुए थे, वहां पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो गांधी जी के करीबी सहयोगी थे राजगोपालाचारी, जैसा मैंने आपको कहा, उन्होंने इस मार्च का नेतृत्व किया था। 150 स्वयंसेवक उनके साथ में थे, और बहुतांश लोग, जो ज्यादातर लोग थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। 13 अप्रैल 1930 को त्रिचनापल्ली, आज का तिरुचिरापल्ली, यहां से यह मार्च स्टार्ट हुआ और तंजौर के जिले के एक छोटे से तटीय शहर वेदारण्यम तक उन्होंने यह मार्च निकाला और वहां पर समाप्त हुआ। 240 किलोमीटर की यह पदयात्रा थी। मार्च करने वालों ने सीधे समुद्र से नमक इकट्ठा करके नमक का कानून तोड़ा, और यह अभियान 28 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। तो हमारा जो इसका आंसर है वह सेकंड है, सी राजगोपालाचारी। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब इनमें से सरोजिनी नायडू जो थी वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी भारत की,
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, भारत के डोमिनियन के गवर्नर का पद उन्होंने संभालने वाली वह पहली महिला थी, संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर थी राज्यपाल। अब कांग्रेस की पहली अध्यक्ष जो थी वह सरोजिनी नायडू नहीं थी, यह हमने नोट कर लेना चाहिए। पहली जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी वह थी एनी बेजेंट और सरोजिनी नायडू थी ये दूसरी महिला अध्यक्ष थी। तो पहला कथन गलत है, उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की अध्यक्ष रूप में कार्य किया था, एनी बेजेंट ने 1917 में किया था। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, यह कथन सही है, यह कथन गलत है। तो केवल दो यह सही है। अब अगला क्वेश्चन, भारत में कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक का सबसे पहले निर्माण हुआ था, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्मारक और उदयगिरी, इसमें से सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था, तो इसके बारे में ये स्लाइड में हम जानेंगे। लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर का, उसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, 11वीं सदी में हुआ था। और महाबलीपुरम स्थित मंदिरों का निर्माण 7वीं से 8वीं सदी में हुआ था। उदयगिरी स्थित बरहा प्रतिमा, बोर इमेज जिसको बोलेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा गुप्त काल में हुआ था। और ओडिशा में धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। तो सबसे एंशियंट, सबसे पुरातन, सबसे प्राचीन मौर्य काल का धौली का शैलकृत हाथी, तो इसलिए आंसर है धौली का शैलकृत हाथी। अब धौली के शैलकृत हाथी के बारे में आप जो पिक्चर देख रहे हैं यह है धौली का शैलकृत हाथी, यह बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आर्कियोलॉजी ASI के दृष्टिकोण से और भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से यह बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। क्यों मैं आपको बताऊंगा। यह दूसरा चित्र है, यह भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है, ओडिशा शैली जो है स्थापत्य की, आर्किटेक्चर की, उसका यह सबसे सटीक उदाहरण है, सबसे बेस्ट उदाहरण है। यह महाबलीपुरम के रथ मंदिर वहां के स्मारक है, और यह जो मैंने आपको बताया वराह प्रतिमा बोर इमेज, यह उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश के उदयगिरी गुफाओं में आपको देखने को मिलेंगे। और यह जो धौली का हाथी का स्मारक है, यहाँ पर अशोका का प्रस्तर लेख भी आपको मिलेगा। यह जो वही स्थान है धौली का, कलिंग का जो युद्ध भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है, जिस युद्ध भूमि ने, जिस रणभूमि ने भारत के महान सम्राट को जन्म दिया, और भारत में सम्राट अशोका, किंग अशोका, उसका हृदय परिवर्तन जिस युद्ध से हुआ कलिंग का, वह उसी क्षेत्र में है। और इसीलिए वहां पर उन्होंने धौली का यह हाथी का, मौर्य साम्राज्य का प्रतीक हाथी रहा है, और उन्होंने वहां पर सम्राट अशोक ने यह धौली का हाथी का स्मारक वहां पर बनाया, और उस वहीं पर उन्होंने अपने प्रस्तर लेख भी लिखे है, और वही इंपॉर्टेंट लेख है जिसमें उन्होंने कलिंग के युद्ध के बारे में बताया है। और इसीलिए भारत के इतिहास में धौली का स्मारक एक गेम चेंजर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। अभी ये जो धौली का स्मारक है, यह स्मारक सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भारत के इतिहास में ये सम्राट अशोक के जो कलिंग के शिलालेख है 11, 13 और 15 क्रमांक के यहाँ पर मिलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? सामंती व्यवस्था जो थी वह विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण उन्होंने कर दिया था। ये मॉडल हमने अपने दिमाग में रखना चाहिए, और ये रख के हम अब पढ़ेंगे अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीति सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानिक राजनीति सत्ता। गलत, क्योंकि मैंने कहा विकेंद्रीकरण, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, तो यह गलत है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना, भूमि पर नियंत्रण, अब जो सामंत लोग थे उनका भूमि पर नियंत्रण, और उसके आधार पर यह प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा ढांचा उन्होंने बनाया था, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है।
और सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास वो तो संबंध है, जो अधिपति है किंग है और जो सामंत है उनका जो संबंध था वह मालक और दास, सामंत है ना, सामंत और उनके अधिपति, स्वामी और दास का संबंध था, यह भी सही है। तो हमारा आंसर है 2 और 3। अब सामंतवाद के बारे में जानेंगे, फ्यूडलिज्म। भारत का वर्णन करने के लिए सामंतवाद शब्द का उपयोग मध्ययुगीन यूरोपियन मूल की अवधारणा को लागू करता है। सामंतवाद ये जो कंसेप्ट है यह मध्ययुगीन यूरोप की है और भारत में भारत का जो जमींदार था, जमींदारी प्रथा थी, यहाँ पर सामंत लोगों को सामंत ही नहीं कहा गया है। यह फ्यूडलिज्म जो कंसेप्ट है ये यूरोप की है। भारत में जमींदारों को, सामंतों को जमींदारों और अनेक नामों से जाना जाता है। इनके नाम हमारे पास है, आप देखेंगे जमींदार कुलीन लोग सैन्य सेवा के बदले क्राउन से भूमि लेते थे, सैन्य सेवा देते थे और उनसे भूमि लेते थे, भूमि का मालिक उनके बदले में उनको सैन्य सेवा मुहैया कर रहे थे, 100 घोड़े की सेवा, सैन्य बल या 500, 200, 300, 500, 600 ऐसा सैन्य बल वह ब्रिटिशों को पुरठा किया करते थे और जागीरदार बदले में रईसों के किराएदार होते थे, जबकि किसान अपने स्वामी की भूमि पर रहने और उसे सैन्य सुरक्षा के बदले में श्रद्धांजलि, श्रम और उपज का हिस्सा देने के लिए बाध्य थे। मतलब उनको वो बेगारी प्रथा जो हम कह सकते हैं, यह जो सामान्य किसान थे वो बेगार थे और जो भूमि का ओनर था, मालिक सामंत लोग थे, जागीरदार लोग थे और सबसे उनका भी मालिक कौन था, सत्ताधीश किंग। अब उनको भारत में क्या क्या कहा जाता है, कहीं पर तालुकदार है, मनसबदार नाम है, जमींदार है, जागीरदार है, जेलदार है, घाटवाल है, यह नामों से भारत में सामंत लोग को जाना जाता है। आगे नाम और है, मूल रैयत है, सरदार है, गुजरात में मनकरी, ठाकुर, नॉर्थ इंडिया में ठाकुर बोलेंगे और साउथ इंडिया में महाराष्ट्र के जो प्रदेश है उनमें देशमुख, देशपांडे, चौधरी, नायक, नायर, दुआजी और सामंत, इतने नामों से भारत के सामंतों का वर्णन हम कर सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं भारत में सामंत व्यवस्था नहीं थी उनके लिए ये जो नाम है ये सभी सामंत फ्यूडलिज्म है। मिडिवल इंडिया का जो फ्यूडलिज्म है सामंतवादी व्यवस्था है, कंसेप्ट यूरोपियन है, लेकिन भारत में उसी प्रकार उसी मॉडल के लोग विभिन्न नामों से परिचित थे। ये जो विभिन्न नाम है आपके सामने है और इन्होंने भारत में वेरियस टाइप्स विविध प्रकार के मॉडल डेवलप किए अपने अपने तरीके से। तो ब्रिटिशों ने 3 प्रकार के आर्थिक टैक्स कलेक्शन के मॉडल बनाए थे, तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। इनमें से अधिकांश प्रणालियां भारत और शेष उपमहाद्वीप की स्वतंत्रता के बाद समाप्त कर दी गई। यह सभी प्रथाएं भारत स्वतंत्र होने के बाद समाप्त की गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक वादग्रस्त जिसको हम कह सकते हैं कि ये लोगों के पास जो भूमि आई थी यह भूमि ब्रिटिशों ने उनको दी थी टैक्स कलेक्शन के लिए। तो जब पंडित नेहरू ने जिनके पास ज्यादा भूमि है उनसे लेकर जिनके पास भूमि नहीं है भूमिहीन लोगों के लिए वह बांटने का मन बनाया, क्योंकि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के थे और राष्ट्रीय संपत्ति का समान वितरण यह लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का प्रभाव उन पर था। भारत में भूमि का, कृषि योग्य भूमि का केंद्रीकरण इन सभी सामंतों के पास था और अधिकांश लोग जो है, बहुतांश लोग हैं भारत के, वह भूमिहीन थे, बेगारी थे। तो उनमें जो खुद मेहनत करेगा उनको ही भूमि का हक मिलेगा। यह बाद में इंदिरा गांधी ने लागू किया, लेकिन पहली इनिशिएटिव प्रारंभ पंडित नेहरू ने किया था और उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स किया कि इससे ज्यादा जमीन आप नहीं रख सकते।
तो बाकी जो एक्सेस लैंड था एग्रीकल्चर लैंड उसका वितरण उन्होंने लैंडलेस लोगों में कर दिया। इसमें विनोबा भावे ने भूमिदान आंदोलन, भूदान आंदोलन जिसको बोलते, वह उन्होंने स्टार्ट किया था पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से। तब बहुत लोगों ने उनको भूमि दान की, लेकिन दान करने वाले लोगों में से कुछ अच्छे थे, कुछ लोगों ने दबाव में आकर किया था, और जो भूमि प्राप्त हुई उसका वितरण पूरी तरह से नहीं हुआ। पंडित नेहरू जी ने भी जो कानून बनाया था भूमि वितरण का, वह भी पूरे मन से लागू नहीं किया, राज्य के भरोसे छोड़ दिया। प्रत्येक राज्य ने अपने अपने हिसाब से कानून बनाए, और जो वितरण हुआ, वितरण हुए लोगों के नाम से हुआ, लेकिन उन्होंने कभी मालिकाना हक जताने के लिए जब वे अपने खेत में गए तब उनको वहां से निकाल दिया गया। मतलब यह ग्राउंड रियलिटी नहीं बन सका, ऑन पेपर रहा। लेकिन इससे क्या हुआ कि एक रूसो का स्टेटमेंट है कि कोई भी इंसान अपने पिताजी की मृत्यु का दुख भूल सकता है, लेकिन अपना हुआ आर्थिक नुकसान कभी भूल नहीं सकता। अब कांग्रेस और नेहरू जी ने तो इन लोगों की जमीनें निकाली और लैंडलेस लोगों में बांट दी। तो ये जो लोग हैं जिसको क्रीम ऑफ द सोसाइटी हम कह सकते हैं, तो फिर ये उनके खिलाफ हो गए। आगे चलकर उन्होंने और वही मॉडल अपनाया और 26वीं घटना दुरुस्ती संविधान संशोधन किया, और उसमें से उन्होंने जो तनखे, मतलब उसको कह सकते कि पगार जो थे वार्षिक उनको मिलता था, वह भी बंद किया। तो इससे वह और मुखर कांग्रेस विरोधी हो गए। तो हम देख रहे हैं कि डीडी कौशाम्बी और आरएस शर्मा डैनियल थॉर्नर के साथ मिलकर पहली बार किसानों को भारतीय इतिहास के अध्ययन में लाया गया। तो इन लोगों ने, ये जो तीन इतिहासकार है, इनको लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के इतिहासकार माना जाता है, और उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था का सही सही चित्रण इतिहास में किया, और जो किसानों के पक्ष में उन्होंने यह लिखान किया। अभी जो इसमें कहा गया है कि किसानों के भारतीय इतिहास के अध्ययन में उन्होंने लाया, तो सबसे पहले किसानों के बारे में अगर किसी ने सोचा होगा भारत में, तो मराठी में एक महाराष्ट्र में शेतकऱ्यांचा आसूड करके ग्रंथ है महात्मा फुले का, वह पहले विचारक है जिन्होंने किसानों के बारे में लिखान किया और किसानों का दुख ब्रिटिशों के सामने रखा। जब ब्रिटिश युवराज आए थे तो उन्होंने किसान का भेष बनाकर उनसे निवेदन दिया था, और किसान का शोषण का मॉडल उन्होंने अपनी किताब मराठी में लिखा है। और उन्होंने कहा है कि ये जो शोषण है वह साहूकार लोग, जमींदार लोग और यहाँ के ब्राह्मण वर्ग ने किया है, ऐसा मॉडल उन्होंने अपने किताब में रखा है। बाद में फुले जी के विचारों पर चलकर एक आंदोलन, कृषि आंदोलन महाराष्ट्र में विकसित हुआ। तो मैं ये बता रहा था कि किसानों के बारे में लिखने वाले पहले इतिहासकार महात्मा फुले जी है। सबाल्टन हिस्ट्री जो बोलते हैं, हिस्ट्री की एक शाखा है सबाल्टन हिस्ट्री, वंचितों का इतिहास। दुनिया में कोई भी रहा हो, लेकिन दुनिया में जिसको सबाल्टन हिस्ट्री का फाउंडर बताया जाता है, उनके जन्म से पहले ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने सबाल्टन हिस्ट्री किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में लिखान किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से सबाल्टन हिस्ट्री का जो फाउंडर है दुनिया भर में भी, वह ज्योतिराव गोविंदराव फुले है, और उन्होंने पहली बार किसानों के बारे में लिखा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि यह गलत, यह दोनों सही, और क्वेश्चन बी इसका आंसर, यह सामंतवाद के बारे में डिटेल से आपको यहाँ पर बताया गया, और उनके नाम भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल आंदोलन कौन से थे? स्वदेशी, भारत छोड़ो 1942 का है, असहयोग आंदोलन 1920 का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1939 के आसपास का है,
और स्वदेशी आंदोलन जो है वो 1905 का है, जब कांग्रेस का डिवाइडेशन हुआ था। और नरम दल और गरम दल जो है, लाल बाल पाल जिन्हें कहते हैं, वह गरम दल के नायक थे। और कांग्रेस के फाउंडर जो लोग थे, वह फाउंडर लोगों में से बहुतांश लोग जिसको फाउंडर हम कह सकते हैं, वह नरम दल के थे। जब से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कांग्रेस में आगमन हुआ और कांग्रेस में उनका नेतृत्व उदय हुआ, तब से उन्होंने एक जिसको हम कह सकते हैं कि नरमी की भाषा, जिसको हम बोल सकते हैं कि विनंती की भाषा को उन्होंने नकारा, और उन्होंने एग्रेसिव प्रोटेस्ट के लिए कांग्रेस को तैयार किया। वैसी मानसिकता कांग्रेस को तैयार की और वैसे लोगों का उन्होंने कांग्रेस के भीतर संगठन किया और वह उनका डोमिनेशन कांग्रेस में बढ़ गया। फिर सूरत में अधिवेशन हुआ था, तब कांग्रेस का डिवाइडेशन हुआ पहली बार। अब कांग्रेस के दो फाड़ हो गए, दो टुकड़े हो गए। इसका प्रमुख कारण है स्वदेशी आंदोलन, इसके बारे में जानेंगे। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के बाद हुई। जब बंगाल का विभाजन हुआ, आज जो हम देखते हैं नक्शा पश्चिम बंगाल का और बांग्लादेश का, यह उसी बंगाल का डिवाइडेशन का फ्रूट है, क्योंकि तब से जो विभाजन हुआ वह कायम रह गया। ब्रिटिशों ने जो बंगाल में डिवाइडेशन की रेखा खींच दी, आज भी कायम है। जो ब्रिटिशों ने डिवाइडेशन की रेखा खींची, पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल, ये दोनों उन्होंने डिवाइडेशन किया और धर्म के आधार पर किया, क्योंकि पूर्व बंगाल में मुस्लिम बहुतांश था, पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुतांश था, तो यह डिवाइडेशन की रेखा कायम रह गई। बाद में पूर्व बंगाल बांग्लादेश बन गया और पश्चिम बंगाल भारत में रह गया। तो भारत में जो बंगाल आया उसका नाम पश्चिम बंगाल ही रहा, नाम बदला नहीं। इसलिए कभी कभी कुछ लोग, बहुत स्टूडेंट ने मेरे को पूछा था कि बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल क्यों है, तो उसके पीछे जो हिस्ट्री है वह बंगाल के डिवाइडेशन की थ्योरी की है। 1905 में जो ब्रिटिशों ने बंगाल का डिवाइडेशन किया था, और वो बंगाल के डिवाइडेशन के खिलाफ भारत में जो मुहिम चली थी, उस मुहिम से ये गरम दल का उदय कांग्रेस के भीतर हुआ और उनका वर्चस्व कांग्रेस में स्थापन हुआ। उनका प्रमुख नेतृत्व किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, और उनको साथ दिया था जिनको त्रिमूर्ति कह सकते हैं, लाल बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, पंजाब बंगाल महाराष्ट्र। और आप देखेंगे कि जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं भारत में हुई है, यह तीनों स्टेट में हुई है। यह तीन स्टेट क्रांतिकारियों के गढ़ रहे हैं। आधुनिक विचारों का संपर्क भी आप देखेंगे तो यह तीनों स्टेट में है। सबसे पहले ब्रिटिशों का आगमन हुआ था कलकत्ता बंगाल में, तो आधुनिक विचारों का पहला संपर्क बंगाल के लोगों को हुआ था, इसलिए उनका वैचारिक आंदोलन जो था पहला बंगाल में शुरू हुआ। समाज सुधारना आंदोलन भी पहले बंगाल में शुरू हुआ भारत में। फिर ब्रिटिशों का मुंबई और सूरत के आसपास ब्रिटिशों की छावनियां वसाहती स्थापन हो गई। फिर महाराष्ट्र में आधुनिक विचार का प्रचार प्रसार हुआ, तो महाराष्ट्र में समाज सुधारना आंदोलन सबसे ज्यादा बंगाल के बाद में हुए, और उसके बाद में पंजाब में हुए। क्रांतिकारियों का गढ़ पंजाब है और समाज सुधारना धर्म सुधारना आंदोलनों का गढ़ बंगाल और महाराष्ट्र रहा है, सुधारों की भूमि रही है। हम जिसको राइज ऑफ रीजन कह सकते हैं भारत के दृष्टिकोण से, यूरोप में जो रिनेसांस मूवमेंट चली थी, वैसी ही मूवमेंट भारत में दो प्रांतों में चली थी, बंगाल और महाराष्ट्र में। और भारत में जो राइज ऑफ रीजन जिसको कहते हैं, तर्क क्षमता का उदय, सबसे पहले चिकित्सा, तर्क, विज्ञान, इसकी बातें ये दो प्रांतों में हुई। और यहां के जो समाज सुधारक रहे थे, इन्होंने पूरे भारत को दिशा दी। तो हमारा जो रुख है इसके बारे में, लोकमान्य तिलक, लाल बाल पाल, गरम दल से हम यहां पर पहुंचे। आगे
गरम दल नेता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, यह स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, जबकि नरम पंथ यह सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। लोकमान्य तिलक का मानना था यह एक चांस है कि ब्रिटिशों के खिलाफ लोगों का जो विरोध है उसको हम संगठित कर सकते हैं इसके माध्यम से और ब्रिटिशों के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। तो इसीलिए बंगाल के डिवाइडेशन के खिलाफ जो मुहिम हमको चलानी है पूरे भारत में ले जाएंगे। लेकिन नरम दल का मानना था कि ये बंगाल तक सीमित रहे, इसलिए उनके मतभेद हुए, उनके मतभेद बढ़ते गए। 1907 के सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में डिवाइड हो गई। तो 1907 में पहली बार कांग्रेस का डिवाइडेशन हुआ। गरम दल वाले वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले जनगण मन के समर्थक थे, और नरम दल वाले फिर बाद में जब संविधान निर्माण हुआ जनगण मन भारत का राष्ट्रगान बना, वंदे मातरम नहीं बना। यह गरम दल के लोगों का मानना था कि यह राष्ट्रगान बनना चाहिए। तो हमारा पहले ही हमने आपको बताया कि नरम दल गरम दल का उद्भव हुआ था कहां से, तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद में जो हुआ यह इसका सही आंसर है। तो हमने यहां तक जो इतिहास के प्रश्नों का विश्लेषण किया है यह आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आगे भी यह 2015 की स्लाइड है, 2015 के प्रश्न पत्र इतिहास के प्रश्न पत्र का उल्लेख है। 2016-17 ऐसे हम क्रमवार सीरीज लेके आएंगे और विस्तार पूर्वक प्रश्नों का विश्लेषण जानेंगे। आप हमें हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम हमारे वीडियो में या लेक्चर में कौन सी सुधारणा कर सकते हैं। हम आपके जो सुझाव है वह मान्य करके हमारे लेक्चर में वैसे वैसे सुधारणा करते जाएंगे, क्योंकि आप और हम, आपका और हमारा जो नाता है वह गुरु शिष्य का नहीं है। हम सिर्फ ज्ञान जो हमारे पास है हम आपको देते जाएंगे, और आपके पास जो जो सुझाव रहेंगे वो हम लेते जाएंगे। और आप शाश्वत एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।